नमस्कार सिटीजन्स वॉइस में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक संतोष पारिक। अब लोग करेंगे खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ में कोरोना वायरस प्रकोप के चलते बंद का ऐलान करने के बावजूद भी निजी विद्यालयों और कोचिंग सेंटरों की मनमानी सामने आई। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा सभी स्कूल, कॉलेज, जिम और सिनेमाघरों को बंद करने के निर्देश दिए गए, लेकिन जिला मुख्यालय पर इन आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें निजी विद्यालय संचालकों का एवं कोचिंग सेंटर संचालकों ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भेदड़क बच्चे तो उस पे आ गए ना। आपने टेंथ के बच्चे बिठा रखे, यहाँ बच्चों के टेंथ का एग्जाम चल रहा है क्या? यहाँ तो नहीं चल रहा है, बस बच्चे तो बस में आ रहे हैं ना। अब मैं गांव वाले बच्चों से क्या कहूँ कि भाई आप आपका मैसेज कब आया? हमारा मैसेज क्या? सरकार का मैसेज रात को 9:30 बजे आया। मैं तो मॉर्निंग में देखा। आपने गलती है, बिठा तो रखा है आपने उनको? बिठा नहीं, क्लासेस चल रही जो चल रही है ना रेगुलर, उसमें इनको मना करना है कि अभी आपको जाना है। नहीं तो आते पहले क्यों नहीं मना करा? आते पहले आपकी क्लासेस यहाँ पे 9 बजे से चल रही है। 9 बजे सर बच्चे आए, 9 बजे वालों को भेज दिया। अभी नए अभी आ रहे हैं उनको भी भेजना है अनाउंस कर करके। अभी जो जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना, सरकार से बड़े हो गए कोचिंग सेंटर। सर हमें नहीं पता, हमें भी है मॉर्निंग थी। सभी विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा सर हम बहुत दूर गांव से आते हैं तो हमारा एक नुकसान हो जाएगा, हम सब बड़ी मुश्किल से किराया पूरा करके आए हैं। उन्होंने कहा सर मात्र आज के लिए सर आधा एक घंटा पढ़ा दो, ताकि जो कुछ डिस्कस है जो क्वेश्चन में नहीं आते थोड़ा बता दो आप आधे घंटे क्लास। राजस्थान बजट सत्र में रूपबास में सरकारी महाविद्यालय की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि परिषद प्रशासन को ज्ञापन, धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल कर कॉलेज की मांग कर रहा था, जिस पर हाल ही में बजट सत्र के दौरान मोहर लगा दी गई है, जिसके बाद महादेव चौक पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई और कार्यकर्ताओं ने जिला सह संयोजक कृष्णा भातला का साफा बांधकर सम्मान किया। इस अवसर पर कोशू पहलवान संतोष सिकरवार, लाखन सिंह योगी, राम कुमार योगी, आकाश चौहान, सागर छोटू, अंकुर सिंह, प्रमोद सिंह, गगन भोला, सौरव परमार, मनीष मित्तल, प्रदीप, संजय जादौन, रवि परमार, मॉनिटर शुभम शर्मा, विकास परमार, सुंदर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राज्य सरकार के द्वारा कल बजट सत्र में जो रूपबास की जनता व छात्र छात्राओं को एक उपहार दिया है राजकीय महाविद्यालय खोलकर, उसके लिए हम सरकार का हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और पिछले कई वर्षों से रूपबास के कई संगठन व विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार 5-6 साल से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जैसे उग्र आंदोलन किए जा रहे थे, उन सभी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए जो घोषणा की है उसके लिए हार्दिक एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा स्थानीय विधायक व माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, और आगे भी हर साल छात्रों के हितों के लिए हम विद्यार्थी परिषद और हम सदा सुभाष के सभी संगठन आपके बीच उपस्थित रहेंगे व छात्रों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अयोध्या में रामनवमी को लेकर के मेले को लेकर CMO डॉक्टर घनश्याम सिंह ने जिलाधिकारी अनुज झा से वार्ता की। इस वार्ता के चलते CMO ने मेले के आयोजनों को रोकने की मांग की। दरअसल डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि रामनवमी को लेकर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचते हैं, वहीं इस वक्त कोरोना वायरस का कहर अपने चरम पर है और सरकार लगातार लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों पर जाने से मना कर रही है, इसलिए मेले का आयोजन स्थगित कर देना चाहिए। और धर्म को छोड़ करके बहुत लोग ऐसी कठिन जगह हैं जहाँ पर लोग भय होते हुए, आतंकवादियों के भय होते हुए फिर भी वो लोग वहाँ जाते हैं और बाकी किसी भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते। और ये अयोध्या है और प्रतिवर्ष लगभग 15-20 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, और भीड़ के लिए किस रूप से रोका जाएगा, क्या अयोध्या के बाहर रोका जाएगा, ऐसी नहीं है, भीड़ रुकेगी नहीं, उसको जिस प्रकार से आते रहेंगे उसी प्रकार से आएंगे और दर्शन करेंगे और व्यवस्था करेंगे। कि सर ये इतना प्रचार हो रहा है इसका और भीड़ को अवॉइड किया जा रहा है, और जैसा कल मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी किया है कि जितने आयोजन हैं उनको बंद कर दिया जाए, आयोजन न किए जाए,
तो उस संबंध में चूंकि ये धार्मिक मेला है, इस संबंध में शासन से बात करके इसको भी रोकने का प्रयास किया जाए। कारण क्या है इसके पीछे? कारण वही, भीड़ को इकट्ठा नहीं होना है, जो इसके बचाव में है, कोरोना के बचाव में यही है कि आप हाथ मुख नाक को बार बार ना छुएं, हाथ को हमेशा 2 घंटे पर छुएं, जिनसे भी आप वार्ता करें उनसे 1.5 मीटर की दूरी रहे, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और जब भी कोई छींकेगा खांसेगा वो मरीज है कि नहीं है ये तो आप नहीं जानते हैं, तो उसके ड्रॉपलेट मुश्किल से 0.5 मीटर से 1 मीटर की दूरी पर गिरते हैं, तो 1.5 मीटर की दूरी अगर मेंटेन आप करते हैं तो उसके ड्रॉपलेट से भी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, जो मेलों में या किसी भी आयोजनों में संभव नहीं है। और उसमें कौन इन्फेक्टेड है, कौन ही इन्फेक्टेड है, इसकी भी आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन आयोजनों को न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। अयोध्या पहुंचे कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि अयोध्या के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को आधुनिक तौर पर विकसित किया जाएगा। बता दें कि 10 करोड़ की लागत से अयोध्या आईटीआई को मॉडल प्रशिक्षण संस्थान बनाने की योजना है, जिसको लेकर के महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कौशल विकास मंत्रालय इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है और अब रामनगरी के औद्योगिक शिक्षण संस्थान को मॉडल ट्रेनिंग संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। मॉडल आईटीआई के लिए आग्रह किया गया, मैंने उसके लिए मॉडल आईटीआई के लिए इसे घोषणा कर दिया है। भारत सरकार का कौशल विकास विभाग इसमें 10 करोड़ रुपया योगदान देगा आईटीआई के नवीनीकरण के लिए। देखिए, सजगता सतर्कता जरूरी है और सजगता सतर्कता के लिए भारत सरकार भी, आदरणीय प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी अपील कर रही है, पर वो आदि लोग स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता रखते हुए मनाएं, ये हम सबकी अपील है। और जो चिकित्सकीय सलाह पूरे देश में दी जा रही है और अपील की जा रही है, उसका ध्यान रखते हुए, सावधानी बरतते हुए पर्व त्यौहार मनाना, यही आज के वातावरण में उचित है, जिससे इसे फैलने से रोका जा सके। और भारत ने अपनी सजगता से, इतनी बड़ी आबादी का देश, अभी बहुत नियंत्रण बनाए रखा है। बुलंदशहर में मील पर गन्ना डालने वाले आए 2 किसानों की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों किसान नंबर के इंतजार में ट्रैक्टर के नीचे सो रहे थे, तभी ड्राइवर की लापरवाही के चलते दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा जनपद के बहाव में चालक परिचालक की ड्यूटी के नाम पर वसूली के खेल की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने छापेमारी की और अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि ड्यूटी ज्वाइन करने के नाम पर फिरोजाबाद के बाबू कृष्णकांत द्वारा 20,000 की मांग की गई, जिसकी शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन की टीम ने ARM कार्यालय में छापेमारी की। टीम ने गिरफ्तार पूरन सिंह के खिलाफ 12 भ्रष्टाचार अधिनियम तथा ARM और बाबू के खिलाफ 7 भ्रष्टाचार अधिनियम 120B और 201 के तहत केस दर्ज करवाया है। ये राम लखन ने मुझे रुपए दिए थे गिनने के लिए, ये चेक करो नकली के असली है, तो हम रुपए गिन के तुरंत उसने ले लिया। अच्छा, फिर क्या? मुझे पे पुलिस वाले आए, उन्होंने मारपीट करी और जो हमारे बैग पर्स में रुपए रखे थे वो उन्होंने कही ये तुम्हारे, राम लखन वाले बताए थे, वो मुझसे रुपए नहीं थे, वो तुरंत वापस ले गया था मुझसे। कि उनकी जो ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है और उस ड्यूटी को फिर से बहाल करने के लिए जो ARM कार्यालय बाहा में नियुक्त लिपिक हैं कृष्णकांत, उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। और उसके बाद में जब उसने प्रार्थना की तो 15,000 रुपये रिश्वत लेकर के उसके रूट को बहाल करने के लिए तैयार हो गए हैं। वह उनको 15,000 रुपये नहीं देना चाहता है बल्कि उसको पकड़वाना चाहता है। इस पर कार्रवाई करते हुए गोपनीय जाँच की गई तथा उच्च अधिकारीगण के आदेश अनुसार स्टेप टीम का गठन किया गया। तो उसने जो है एंटी करप्शन को शायद फोन करके और ये सब चीज मतलब जो करवाई है, इसमें आज जो है टीम 12 बजे डिपो आई, 12:30 बजे उसने हमारे को भी चेक किया, कैशियर को भी चेक किया, के बाबू जिसका नाम है उसको भी चेक किया, हम लोगों के पास कुछ नहीं निकला और ना ही कोई रिकॉर्ड मिला इन्हें। उसके बाद इन्होंने ड्राइवर को चेक किया, तो ड्राइवर के मतलब जो है उसके लाल रंग उसका थोड़ा बहुत हुआ हाथ में,
और जो उसके बाद उसे जो वो पकड़ के थाने लिया है, तो वो जो है उसी की जांच वाँच कर रहे हैं, उसी की इनकी चार्जशीट का जवाब दिया जाएगा। हमीरपुर जिले में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सीएमओ ने टीम बनाकर संदिग्ध दंपति का मेडिकल चेकअप करवाया और दंपति का सैंपल लेकर के जांच के लिए लखनऊ भेज दिया। बता दें कि दंपति होली पर अमेरिका से 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे। कोरोना वायरस के संबंध में 2 संदिग्ध मरीज हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, उनके सैंपल भेज दिए गए और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। आगरा के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री डॉक्टर जीएम धर्मेश ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान धर्मेश ने बताया कि अम्बेडकर जयंती एवं भीम नगरी समारोह आयोजन सन 1966 से आगरा के बिजली घर चक्की पाट पर मनाते आ रहे हैं, जिसे इस बार रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार जो भीमनगरी का आयोजन हो रहा है उसे हम रजत जयंती समारोह के रूप में हम करने जा रहे हैं, क्योंकि भीमनगरी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस कार्यक्रम में हमने महामहिम राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी को आमंत्रित किया है। हम उनसे मिलने गए थे, उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमने भेंट की थी, हमने उनको आने का निमंत्रण दिया था, उन्होंने भी निमंत्रण स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो मौजूद नहीं थी यूपी में, और 17 तारीख को उनसे मुलाकात होगी और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो उनको आमंत्रण करना हमारा फर्ज बनता है, उनको हम आमंत्रित करेंगे और अपने राज्यपाल जी महोदय भी उसमें आनंदीबेन जी आएंगे। आगरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्रकाश नगर से एक महिला और पुरुष को 3 किलो गांजे के साथ हिरासत में लिया, जो कई सालों से इस कारोबार को करके अवैध रूप से काम कर रही थी। गांजे की तस्करी कब से कर रहे हैं आप लोग? आप करते हो? कहाँ से लाते थे आप लोग? मथुरा से। कितने सालों से कर रहे हैं ये तस्करी का काम? 2-3 महीने। क्या नाम है? यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हवन का आयोजन किया गया। बता दें कि लाजपत नगर निवासियों ने कोरोना से बचाव की कामना करते हुए कपूर, नीम, तुलसी सहित औषधि युक्त हवन सामग्री से हवन किया। दरअसल लोगों का मानना है कि हवन से उठने वाले धुएं से लाखों बीमारी का खात्मा होता है, इसी विश्वास के साथ लोगों ने हवन का आयोजन किया। विश्व में एक राक्षस का रूप ले चुका है, उसे नष्ट करने के लिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के आधार पर जो आधारित व्यवस्था है उसी आधार पर इस कोरोना वायरस को नष्ट करने का व्यवस्था, वायुमंडल को शुद्ध करने की व्यवस्था की जा रही है। हवन सामग्री में क्या क्या प्रयोग किया गया है? हवन सामग्री में लौंग है, नीम है, तुलसी जी हैं और आम की लकड़ी, शुद्ध गाय के गोबर के उपले और गाय का घी। इससे प्रयास तो लगभग ये है कि रोड पर करने का प्रयास तो यही है कि लोगों में जागरूकता फैले और हवन के माध्यम से जो अपनी संस्कृति जो खो चुके हैं उसके माध्यम से लोगों को ये पता रहनी चाहिए कि आधार और बेस यही है, क्योंकि लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं और पेड़ पौधों का नष्ट होने का मुख्य कारण यही है कि आज आप देख रहे हैं कोरोना वायरस से हाहाकार त्राही त्राही मची हुई है। बुलेटिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें सिटीजन वॉइस। नमस्कार। दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजन्स वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।